नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए निकोलाई गोगोल का लिखा हुआ बहुत ही फेमस रशियन नॉवल जिसका नाम है डेड सोल्स, उसकी समरी हिंदी में लेकर आया हूँ, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेड सोल्स बाय निकोलाई गोगोल। इस नॉवल डेड सोल्स के अंदर निकोलाई गोगोल ने बताया है कि जिस समय यह नोवेल लिखा गया, ये रशिया का नोवेल है, उस समय रशिया के जो नोबल पर्सन थे वो कितने एरोगेंट थे, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ पे कितना ज़्यादा करप्शन था जो हर एक आदमी की लाइफ के अंदर था। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसका जो मेन हीरो है उसका नाम है पावेल इवानोविच चिचिकोव, जिसे अब हम क्या कहेंगे, चिचिकोव। ये इसका मेन हीरो है, पावेल इवानोविच चिचिकोव। पावेल इवानोविच चिचिकोव जो है ये कुछ वैसा व्यक्ति है जैसे सब लोग, हमें बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि कठिन मेहनत से ही हमें सफलता की प्राप्ति होती है, लेकिन पावेल इवानोविच चिचिकोव जो है वो इस तरीके को नहीं मानता है। वो कामयाब होने के लिए आसान रास्ता चुनता है, और ये आसान रास्ता जो है क्या है, वो किस प्रकार इस पे चलता है, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सब हम इसी नोवेल में पढ़ेंगे। इस नोवेल के अंदर एक चिची को भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसानी से पैसा कमाना चाहता है। शुरुआत होती है तो हमें पता चलता है कि चिची को एक टाउन जिसका नाम है एन, बस इतना ही बताया गोगोल साहब ने, एक टाउन एन के अंदर आता है। यहाँ बहुत सारे लैंड ओनर्स हैं, और ये जो लैंड ओनर्स हैं ये भी आराम से पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत कोई भी करना नहीं चाहता है भाई। तो इन लैंड ओनर्स ने अपनी सा आगे रख रखे हैं दिहाड़िए, जैसे हमारे यहाँ पे सीरी रखते हैं, इन्होंने रख रखे हैं सीरी जिनका नाम है सैरफ। सैरफ मतलब सर्वेंट, नौकर, गुलाम। ये कोई काम नहीं करते हैं, सारा काम सैरफ करते हैं, उसी काम से लैंड ओनर पैसा कमाते हैं। अब जब ये सैरफ मर जाते हैं, वैसे तो ये मर गए, लेकिन जो वहाँ की सेंसस जनगणना है उसके अंदर ये सैरफ जिंदा रहते हैं, तब इन्हें कहा जाता है डेड सोल। अब चिचिकोव साहब क्या सोचते हैं कि भैया मुझे अमीर बनना है, अमीर बनने के लिए मुझे किसी न किसी को उल्लू बनाना पड़ेगा। अब जैसे हम हैं, हमारे घर में मान लीजिए 5 नौकर काम करते हैं, तो लोग कहेंगे यार ये अमीर है, इसके घर में 5 नौकर काम करते हैं। किसी के घर में 20 करते होंगे तो ये कहेगा ये और भी अमीर है, इसके घर में 20 नौकर काम करते हैं। तो चिचिकोव जो अपना दिमाग लगाता है वो इन लैंड ओनर्स के पास जाता है, ये टाउन एन में आ गया, तो वो वहाँ जाकर क्या करता है, वहाँ जाकर ये जो डेड सोल्स है भी, नौकर जो वैसे तो मर गया लेकिन सेंसस में अभी जिंदा है, ये उन डेड सोल्स को परचेज करता है, क्योंकि ये डेड सोल तो किसी काम की नहीं है। तो बस वो लैंड ओनर्स को यही समझाता है कि आप ये डेड सोल्स जो हैं वो मेरे को बेच दीजिए। वो एक इल्यूजन क्रिएट करना चाहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, हालांकि ये जो ट्रांजैक्शन है वो बड़ी मजाकिया साबित होती है। साथ में ये भी बताते हैं कि आदमी कितना ज़्यादा लालची हो सकता है, इन डेड सोल्स को बेचकर कुछ भी नहीं मिलेगा, ना उन्हें खरीद कर कुछ मिलेगा। होगा क्या कि वो मेरे सेंसस से हटकर आपके सेंसस में चली जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होएगा। लेकिन लैंड ओनर जो है वो कोशिश करते हैं कि जितना भी ज़्यादा निचोड़ सके निचोड़ ले, सेंसस में ही मिल चली जाए, सेंसस में ही मिल जाए, कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो चिचिकोव क्या करता है, बहुत सारे लैंड ओनर्स के पास जाता है जो कि कुछ ना कुछ लालच दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये जाता है नास्तासिया पेट्रोनिमा कोरबोचका, ये एक लेडीज हैं जो कि पहले तो वो बेचना नहीं चाहती हैं, उनको लगता है ये मेरे को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, वो उसे और आइटम्स बेचना चाहती हैं, पर वो कहता है कि भाई चिचिकोव कहता है भाई मेरे को तो सिर्फ डेड सोल ही खरीदनी है। फिर उसके बाद में वो कहता है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं कि मैं ये चीज़ खरीद रहा हूँ, ठीक है साहब।
इसके बाद में वो कुछ उस टाउन एंड के कुछ और अमीर लैंड ओनर्स के पास जाता है, जिनमें से एक है नोज डिरोइव। अब वो नोज डिरोइव जो है वो उस जैसे ही ये बात सुनता है कि चिची को 150 खरीदना चाहता है, तो वो पूछता है कि भैया तू क्यों खरीदना चाहता है। तो ये एक अजीब सी कहानी सुनाता है, ये कहता है कि भाई मैंने शादी करनी थी, तो शादी के लिए जो लड़की वाले हैं उन्होंने बोला कि तेरे पास कम से कम 300 नौकर होने चाहिए। अब भैया मेरे पास 300 नौकर तो है नहीं, तो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं 150 क्योंकि सस्ती मिल जाएंगी, मैं इनको खरीद कर दिखा दूंगा, देखो जी मेरे पास 300 नौकर है, मेरी शादी कर दो। अब निजी ड्रो जो है वो बेचना नहीं चाहता, बल्कि वो कहता है चला अपने एक गेम ऑफ चेकर खेलते हैं। अब गेम स्टार्टिंग से ही मजाक हो जाता है, चिचिकोव को कदर तो धोखा दे रहा है। इतने में पुलिस आ जाती है और नोजीडीरोव को पकड़ लेती है। इस शोर शराबे में चिचिकोव भाग जाता है और भागकर वो सुबाकविच के पास चला जाता है। तो यानी कि तीसरा पर्सन हो गया जिसका नाम है सुबाकविच। अब ये सुबैकविच के पास चला गया, सुबैकविच जो है वह और ज़्यादा नेगोशिएशन करता है, वो कहता ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए पैसे चाहिए। तो वो ये जो है इससे 2.5 रूबल के अंदर एक सोल परचेज कर लेता है। इसके बाद में चिची को जो है वो जाता है जिसका नाम है प्लुशकिन, प्लुशकिन नाम के एक पर्सन के पास जाता है, उससे बहुत सस्ते में 32 कोपेक में एक सेल परचेज कर लेता है। अब देखना चाहिए कि ये जो अमाउंट आप देखिए कि किस तरह से चिचिकोव ने मेहनत की, वो बहुत ज्यादा उसे बहुत ज्यादा लोग शक की नजर से देखते हैं, उसकी जान पर भी खतरा बन जाता है। एक ऑफिस में जॉब पाना आसान होगा, पर वो चिचिकोव जो है इस तरीके का रास्ता चलता है, क्योंकि वो सारे ग्रीडी और अनट्रस्टवर्थी लैंड ओनर्स के पास जाता है। इसके बाद में एक चिचिकोव एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है, जहाँ पर उसे कोई सेल्स से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन डालनी होती है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो चिचिकोव समझ जाता है कि रिश्वत के बिना काम नहीं होगा, वो रिश्वत कर देता है। तो उसके बाद सारा काम फटाफट हो जाता है, फाइलों के तो पंख ही लग जाते हैं, उड़ उड़ के पहुंच जाती है फाइलें। वो ये सारी जो चीज़ें जो हैं, ये इस सारी चीज़ का लॉजिक सिर्फ यही होता है कि चिचिकोव जो है वो ये अपने आप को एक मिलेनियर दिखाना चाहता है कि एक करोड़पति फर्म है। अब र्यूमर्स फैल जाती है कि भाई चिचिकोव तो बहुत अमीर है। अब जैसे ही खबर फैलती चिचिकोव अमीर है, तो नास्तासिया मैडम जो है वो आ जाती है कि भैया बता आजकल 150 का क्या रेट चल रहा है। नोज डिरोव है वो एक पब्लिक पार्टी में चीख के बोलता है कि चिचिकोव ने तो 150 परचेज किए हैं। अब सारी जो डिसेप्शन करप्शन जो है जो सारे टाउन में फैल रहा है, वो सारा का सारा चिचिकोव पे फूट जाता है। अब उसे ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि तू प्रेजिडेंट की डॉटर से शादी करना चाहता है, वास्तव में वो शादी करना चाहता है। एक केस बन जाता है जिसे हाई कोर्ट के आगे ले जाते हैं, तो नोजेड्रोव कहता है कि भैया मैं तेरी ये हेल्प कर सकता हूँ कि मैं प्रेसिडेंट की बेटी से खुद शादी कर लेता हूँ, लेकिन तभी अगर तू मुझे 3,000 रूबल देगा। अगर तू मुझे 3,000 रूबल दे देगा तो मैं क्या है प्रेसिडेंट की बेटी से शादी कर लूंगा और तेरी टेंशन छूट जाएगी। चीची को ये सब क्योंकि सारा उसका प्लान फेल हो गया, तो वो यहाँ से छोड़ के रशिया चला जाता है। अब स्टोरी के इस सेक्शन में और परसेप्शन बढ़ जाती है, तो वो जो जो ये सोल्स की रिकॉर्डिंग जो उसने सेल बनवाई थी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, उससे तो ये लगता चीची को अमीर है। कोई प्रूफ तो है नहीं, सिर्फ एक एक कल्पना है कि अमीर है। जब ये रूमर ख़त्म होती है तो पता चलता है कि कुछ भी फैक्ट या प्रूफ नहीं है। शहर के लोग टाउन एंड के जो लोग हैं जो उसे बता दो वही मान लेते हैं, वो कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं मानते हैं, क्योंकि ये चिचिकोव की स्कीम ही ऐसी होती है। उसने एक अपीयरेंस क्रिएट कर दी कि मैं भैया एक बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ, कोई एविडेंस तो उसने दिया नहीं। अब जैसे ही चिचिकोव एंड टाउन को छोड़कर कहीं और चला जाता है, तो पता चलता है कि उसके पेरेंट्स एक नोबल फैमिली से थे,
उसके फादर ने उसे एक बोर्डिंग स्कूल में छोड़ दिया था। सलाह दी थी कि बेटा दुनिया में सबसे ज़्यादा वफादार चीज़ है वो पैसा है। उसने इस चीज़ को दिल से लगाया और उसने बोला कि मैं भैया एक आराम और कंफर्ट की लाइफ जीऊँगा। उसे लगा कि मेरे पास एक टैलेंट है कि मैं लोगों को उल्लू बना सकता हूँ। वो उस टैलेंट का यूज करता, अगर टैलेंट उल्टा पड़ जाता तो वो एक नई जगह पे नए तरीके से चल पड़ता, जैसा उसने इस स्कीम में किया। अब यहाँ पे डेड सोल का पार्ट फर्स्ट ख़त्म होता है, पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है। ये भी फ्रेगमेंटेड और अनकम्प्लीट है। इसमें चिचिकोव जो है वो और ज़्यादा धोखा देने की कोशिश करता है। वो जिस नए शहर में जाता है वहाँ पे एक बड़ी ज़मीन खरीदने की कोशिश करता है, ज़मीन खरीदने की कोशिश करता है, पर ये डील भी फेल हो जाती है। उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि तूने एक गलत विल, नकली विल बनाई है, नकली वसीयत बनाई है। उसके बाद में वो इस मैटर को 30,000 रुपये देकर क्लियर करता है। अब यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है, मतलब कि चीची को अब एक नई एडवेंचर की स्टार्टिंग में है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता चिची को कैसे एंड करता है, वो बार बार वही धोखे अपनाता रहता है। इन धोखों में उसे टेम्परेरी सक्सेस मिलती है और उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजिंग चलती है। ये सब कुछ समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। सच कोई मैटर नहीं करता है, मेन मैटर करता है ना बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया, मनी और प्रॉफिट मैटर करते हैं। मरे हुए की आत्मा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तब वो उनको मरे हुए का आत्मा को भी तब तक इम्पोर्टेंट नहीं मानते जब तक चिचिकोव उन्हें खरीदना नहीं चाहता है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो प्लीज़ उसके ऑथर का नाम ज़रूर लिखिए। कई बार सेम नाम के वर्क होते हैं तो और मैं दूसरा वर्क बना देता हूं, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए अब प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि आप ऑथर का नाम ज़रूर लिखिए साथ में। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।